नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर में आबकारी अधिकारी के साथ शराब पकड़वाने गए भगवती मानव कल्याण के कार्यकर्ताओं ने ढाबा कर्मियों को पीटा। मूक बनकर देखती रही आबकारी अधिकारी। गढ़ाकोटा नगर के गुंजौरा रोड स्थित एक ढाबा पर आबकारी महिला अधिकारी के साथ गए भगवती मानव कल्याण के कार्यकर्ताओं की ढाबा कर्मियों से झगड़ा हो गया, जिसमें भगवती मानव कल्याण के एक कार्यकर्ता को सिर व पैर पर चोटें आईं, जिसे सागर रेफर किया गया। वहीं झगड़े में दूसरे पक्ष से ढाबा में काम करने वाले चार लोगों को चोटें आईं। दोनों पक्षों ने थाना में गढ़ाकोटा में लिखित आवेदन दर्ज कराया, जिस पर थाना गढ़ाकोटा में दोनों पक्ष पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल मामला कुछ इस तरह है कि सोमवार के दिन भगवती मानव कल्याण के कार्यकर्ताओं को आबकारी मैडम ने जानकारी दी थी कि गढ़ाकोटा के कुछ स्थानों पर अवैध शराब बेची जा रही है, जहां कार्यवाही करनी है। तो आबकारी महिला अधिकारी मंजुलता सोनी द्वारा संबंधित ठिकानों पर रेड डाली गई, जिसमें गुंजौरा रोड स्थित अन्नपूर्णा प्रकाश ढाबे पर भी पहुंची, जहां उनके साथ उनकी गाड़ी में भगवती मानव कल्याण के कार्यकर्ता भी थे। ढाबा पर पहुंचते ही झगड़ा की स्थिति बन गई, जिसमें दोनों तरफ से लाठियां चलाई गईं, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई और घटना के बाद दोनों तरफ के लोगों ने थाने में लिखित आवेदन दिया, जिस पर थाना प्रभारी ने मारपीट के साथ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। भगवती मानव कल्याण के सदस्य अशोक लोधी ने बताया कि सोमवार की सुबह आबकारी विभाग रैली में पदस्थ मंजुलता सोनी मैडम ने जानकारी दी थी कि गढ़ाकोटा में अवैध शराब का कारोबार होता है, दमोह से शराब आती है। मैडम के साथ कुछ हमारे भी साथी थे, तो मैडम ने सबसे पहले कुटी में छापा मारा, फिर हेमंत पटेल के घर पर छापा मारा और बबलू शास्त्री के ढाबा पर छापा मारा। हम लोग नरेटा ग्राम से वापस आ रहे थे, तो ढाबा पर मैडम खड़ी थी और हम लोगों के साथी भी थे। तब ढाबा के कर्मचारी बोलने लगे कि लाल पंटी वालों ने शराब पकड़वाई है, तो वहीं लकड़ी की फाड़े डली थी, तो हम लोगों को मारने लगे, जिसमें हमारे एक साथी नारायण पटेल को सिर पर चोटें आईं। थाने में हम लोगों ने घटना की लिखित शिकायत दर्ज की। वहीं दूसरे पक्ष से ढाबा के कर्मचारी इरफान खान ने बताया कि मैं ढाबे में रोटी सेक रहा था, तभी सोनी मैडम आईं और उनके साथ जय माता वाले 10-15 लोग आए और ढाबा के सामने शराब की बोतल डाली और मुझे लाठी मारी, ढाबा की लाइट बंद की और काउंटर पर बैठे बसंत पारा सर को मारा और लगभग 30,000 रुपए काउंटर से जय माता दी वालों ने निकाल लिए। कर्मचारी के विवाद का कारण पूछने पर बताया गया कि सोनी मैडम हमारे ढाबा पर शराब पकड़ने आई थी, जबकि हमारे ढाबा में शराब बिकती ही नहीं। मैडम ने ढाबा के सामने अपनी गाड़ी से शराब की बोतलें डलवाकर मेरी फोटो भी खींच ली। घटना में ढाबा के चार कर्मचारियों को चोटें आई थी। वहीं इस मामले में महिला आबकारी अधिकारी मंजुलता से कार्यवाही के बारे में पूछा गया, तो महिला अधिकारी द्वारा अपने मोबाइल से खींची हुई फोटो को दिखाया, साथ ही लाल पंटी के सदस्यों के द्वारा मारपीट संबंधित सवाल के जवाब में कहा, हमारे साथ कोई लाल पंटी वाले नहीं आए थे, मैं नहीं जानती किसी लाल पंटी वाले को, मैं अकेली ही आई थी, मेरे साथ कोई सिपाही भी नहीं था। इनका कहना है कि रात में शास्त्री ढाबे पर दो गुटों का झगड़ा हुआ, जिसमें एक जय माता दी संगठन वाले लोग और दूसरे ढाबा वाले लोग हैं, जिसमें दोनों पक्षों से आवेदन हमारे पास आया, जिस पर आवेदन की जांच के बाद मारपीट की कायमी कर ली गई है। दोनों पक्षों के लोगों को घटना में साधारण चोटें आई हैं। इस घटना को लेकर चर्चा में बाजार गर्म है कि अब आबकारी विभाग संगठन के सहारे महिला आबकारी अधिकारी की इस घटना की कार्यवाही से कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। महिला आबकारी अधिकारी द्वारा थाने में छापामार की कोई भी सूचना नहीं दी गई। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। धन्यवाद। ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज। अजय हटो जरा।
क्या झगड़ा हुआ है ढाबे पे, क्या मामला है? रात को ये शास्त्री ढाबे पे दो गुटों का झगड़ा हो गया, जिसमें एक जो जय माता दी संगठन वाले हैं और दूसरे जो ढाबा वाले लोग हैं, उनमें झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से हमारे पास आवेदन आए थे। दोनों की आवेदन जांच से कायमी कर ली गई है, जिसमें मारपीट की कायमी हुई है और दोनों ही पक्षों के लोगों को साधारण चोट है। हमारा नाम इरफान है। इरफान भाई, क्या हुआ आपके साथ? हम सोच रहे थे, आप मैडम आए, सोनी मैडम, उनके साथ जय माता वारे आए, उन्हें सीधा आए हमारे ढाबा के सामने। कितने लोग आए थे? 10-15 लोग और ढाबा के सामने दारू लग रहा है। हमको लट मारा, हमारा हाथ उठा, पाँव में मारा और फिर हमारे ढाबा की लाइट बुझाई है और हमारे काउंटर वाले को मारा पसंद 12 साल को और काउंटर से रुपया निकाले। हमको पता नहीं कितने रुपये, कम से कम लगभग 30,000 रुपया निकाले। किसने पैसे निकाले? जय माता वालों ने। ये काय पे से विवाद हुआ है? सोनी मैडम लोग आकर लाइन दारू पकड़ने के लिए, दारू हमारे ढाबा पर बिकती नहीं है और फिर दारू पकड़ने हमारे ढाबा के सामने दारू बगड़ाई और हमारे मिस्त्री को बिठाकर फोटो ले रिपोर्ट करने आए हो? हाँ।